टॉपिक आपका क्या चल रहा है? नंबर सिस्टम ना। तो पहले हम मेन मेन पॉइंट की बात करते हैं, बाद में फिर ये चीजें लिख दी जाएंगी, ठीक है? सुनिए, जब मैंने आपको ये योग वाली बात लिखवाया था, संख्याओं का योग निकालना, इसमें मैंने आपको दो टाइप लिखवाया था ना, बोलो याद है किसी को? एक लिखवाया था कि जब योग दिया हो और जब योग ज्ञात करना हो, है ना? याद है किसी को? मैंने लिखवाया था ना कि योग पर आधारित प्रश्न, उसके नीचे हेडिंग डलाया था प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। और प्राकृतिक संख्याओं में मैंने दो पार्ट करवाया था, एक में जब योग दिया हो और दूसरा पार्ट में जब योग ज्ञात करना हो। तो साथी मेरे, अब तक हमने निकाला जब योग ज्ञात करना हो, अब हेडिंग डालिए बी वाला नंबर, जब योग दिया हो। यहाँ पे बी नंबर डालिए, जब योग दिया हो। जो बच्चे पीछे वाला पार्ट नहीं देखे हैं, वो पीछे के सारे पार्ट देखेंगे तभी उनको समझ में आएगा, अगर वो बीच से जुड़े हैं तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए लाइव नंबर 9 और 8 7 जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है, जाके देख लेना। चलो, तो अब क्या है, जब योग दिया हो। सुनिए पहले इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, लिखिए, स्टार बना के लिख लीजिए। इसको हम क्वेश्चन तो करेंगे, लेकिन पहले ये टॉपिक, क्रमागत संख्या निकालना, पहले ये समझ लो, क्रमागत संख्या निकालना। सभी साथी लिखेंगे जरूर कॉपी पेन के साथ। देखिए, जब क्रमागत संख्याएं निकालनी हो तो हम कैसे करते हैं? अगर ऐसे कहा जाए कि 5 सम क्रमागत संख्याओं का योग 138 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताओ, ये सुपरटेट में पूछा गया प्रश्न है। या 3 क्रमागत अभाज्य संख्याओं का योगफल 180 है, तो सबसे छोटी संख्या बताओ, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो जब क्रमागत की बात आती है मेरे भाई, तो यहां पर जो सम और विषम अगर बोला है, या फिर भाज्य अभाज्य बोले, या फिर कुछ अलग तरह का बोले, तो इसको मानने वाला सबसे बड़ा एक बवाल रहता है। मानना बहुत ही आसान, मतलब होना चाहिए आपकी समझ में, नहीं तो मुश्किल हो जाता है, गलत हो जाता है। तो कैसे मानते हैं वो लिखवा रहा हूं मैं, कमेंट सबका देखूंगा, थोड़ा 1 मिनट वेट करना। आकाश यादव, जॉन कर 108, हर्षित, सत्यम राजभर, सिमरन, कुसुम कुशवाहा, विपिन यादव, कितु पंडित, सबका कमेंट दिख रहा है। तो इसमें लिखिए क्रमागत संख्याओं में, स्टार बना के लिखा ना आपने, इसमें फर्स्ट पार्ट लिख लीजिए। इसमें भी 3-4 तरह की संख्याएं होती है ना, जैसे सम संख्या मानना हो, विषम मानना हो, भाज्य अभाज्य वगैरह वगैरह, जो मेन 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 है मैं वो लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है? लिखो, यदि कोई संख्या ए है, ऐसे लिख लो, यदि कोई संख्या ए है तो इसकी क्रमागत संख्या, लिखो भाई मैं भी लिख देता हूं, यदि कोई संख्या ए है तो इसकी क्रमागत संख्या, देखो क्रमागत मतलब सीरीज के अकॉर्डिंग जो आती है, ठीक है? यदि कोई संख्या ए है तो इसकी क्रमागत संख्या a+1, a+2, ठीक है, a+3, डॉट 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 होगी, a+n लास्ट में, ठीक है? ये तो है जब कोई संख्या सिर्फ ए है, इसके साथ कुछ ये नहीं कहा है कि भाज्य है कि अभाज्य है कि सम है विषम है क्या है, ऐसा कुछ नहीं कहा।
नहीं क्या? बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी इसकी। हाँ थोड़ा इशारों से ही काम चलना चाहिए। ठीक है आ गई ना आवाज, बोलो एक बार यस, आगे बढ़ जाए। ये चीज सबको समझ में आया कि नहीं? मैं फिर से इसको बता देता हूँ। इसको मैं फिर से बता दे रहा हूँ, लास्ट वाला लिखो मेरे भाई, देखो समझो। ये भी कोई संख्या मानना है क्वेश्चन में, जिसमें सम विषम भाज्य अभाज्य कोई कंडीशन नहीं दिया है। तो आप a+1, a+2 या a+3 मानोगे। यहां पर याद रहे आप यक्स भी मान सकते हो, जरूरी नहीं कि a मानो। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, यदि कोई संख्या यक्स है तो इसकी क्रमागत संख्या x+1, x+2, x+3 रेडॉट होगी। लेकिन यदि कोई संख्या अगर जो है वो सम है, उसकी क्रमागत संख्या मानना हो, तब आप दो दो के अंतराल पे मानोगे। कोई ये समझ रहा है कि दो दो के अंतराल पे क्यों मानेंगे? ये कौन सा लोचा है, काहे को ऐसा होता है? नहीं समझ रहा है तो मैं बता देता हूँ, काहे को टेंशन लेते हो यार, सुनो। देखो कोई संख्या जब सम होती है तो हम दो दो के अंतराल पे ही फिर ये मानते हैं। क्या कौन बोल रहा, अजीब सी आ रही? संख्या जब सम होती है तो हम दो दो के अंतराल पे ही चलिए मानते हैं। ठीक है आप सभी बताओ, सब अच्छा है ना? ठीक है देखो देखो भैया, अगर सम संख्या होती है, जैसे पहले दो होती है, फिर आप देखो चार होती है, फिर छह होती है, फिर आठ होती है ना, आप देखो इनमें अंतर होता है ना, डिफरेंस होता है ना, इनमें होता है ना। ठीक है मैं इसको पटक लेता हूँ एक बार, देख लो हो सकता है कुछ ना मिस्टेक। सोनम ठीक है, आवाज आ रही? चलो तो मैंने क्या कहा, ये संख्याएं हैं सम है ना, इनमें देखो दो दो का अंतर है। अगर आप चार में से दो घटाओ तो दो आएगा, इसमें से दो घटाओ दो आएगा, इसमें से दो घटाओ दो आएगा, यानी ये दो दो के अंतराल पे है, दो दो के अंतराल पे आ रही ना। तो इसलिए क्या है, ये संख्याएं सम संख्याएं हैं। मैंने तीन सम संख्याएं हैं ये तो डिस्कस किया नहीं, लेकिन आपको ये दिखाया कि ये दो दो के अंतराल पे आती है। इसलिए जो हम सम संख्या मानेंगे क्रमागत में, वो दो दो जोड़ के मानेंगे, एक नहीं। इसी तरह पे नीचे लिखिए, यदि एक कोई विषम संख्या है तो क्रमागत विषम संख्या है। तीसरा लिखो भाई, ठीक है आवाज वगैरह में जो भी है बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक बताना बाद में देखा जाएगा बाकी चीजें। ठीक है चलो लिखो, यदि एक कोई विषम संख्या, लिखो यदि एक कोई विषम संख्या है तो इसकी क्रमागत विषम संख्याएं, लिखो फटाफट क्या लिखोगे, क्रमागत जो विषम संख्याएं हैं मेरे भाई, ये भी वैसे ही होंगी, दो दो के अंतराल पे होंगी। देखो सीधी सी बात है कि एग्जाम्पल से समझ लो, पहले आप इसी को समझ लो। मान लो ए अगर छह रहा होगा, ठीक है, तो इसकी क्रमागत संख्या अगली संख्या क्या होगी, 6+2, भाई ए का मान 6 रखोगे ना, यानी 8 हो जाएगी। इस तरह से अगली क्या हो जाएगी, a+4, यानी 6+4, मतलब क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। समझ में आया? अगर ए का मान 6 था तो अगली संख्या 8, फिर अगली संख्या 10, और फिर अगर ए का मान 6 था तो अगली संख्या क्या हो जाएगी, 6 × 6 = 12, यानी 6, 8, 10, 12 बनती जा रही है, सम बन रही है। क्या कह रहे हो आप लोग, आवाज सही नहीं आ रही तो मैं आगे ना चलाऊं क्या आज? फिर यार चेक करना पड़ेगा, इसमें कुछ पता नहीं क्या ऐसा लफड़ा है।
अभी तो बैटरी खत्म हुई थी। रुक जाओ भाई, थोड़ा सा रुक जाओ। आप लोग एक बार यस बोलो कि आवाजें सुनने लायक नहीं आ रही क्या? आवाज सुनने लायक नहीं आ रही है? क्यों भैया, क्या कह रहे हो? अगर सुनने लायक आ रही तो ठीक है, नहीं तो मैं बंद करूं और क्या करूं। सोनम कित्तू पंडित बोलिए, आप लोग क्या कह रहे हो? आवाज में कुछ बदलाव हुआ क्या मेरे? कुछ चेंजिंग हुआ? थोड़ा सही हुआ कुछ? इट्स माही, क्या करो आप? अब बोलो एक बार, सही हुआ वाइस? वाइस सही हुई? आवाज फट रही थोड़ा बहुत ना? गड़गड़ा रही? अनुष्का एकेडमी सही है यार, क्या बताऊं, अपने हिसाब से सब कुछ किया मैंने। थोड़ा सा रुक जाओ, देख लेता हूँ, टाइम तो वेस्ट हो ही रहा है, बीच में डिस्टर्ब तो हो ही रहा है। अनुष्का जी आ रहा समझ में? यार इतना महंगा माइक लिया इसीलिए कि आवाज वगैरह सब बढ़िया आए, ये किचिर किचिर काम आ रहे नहीं है क्या? जीपी गेमिंग बोल रहे हैं, चलने दें, आप सही आ रहे हो। हमें लगता नीचे से कुछ दब गया था शायद, आप सही हुआ होगा ना? आप सही है, नीचे से कुछ दब गया था आप सही हुआ होगा ना? सही ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको थोड़ा दूर कर देता हूँ। चलो भाई अब ये लफड़ा खत्म करो यार, माइक खोल के बोलिए। ठीक है, एक बार फिर से सभी कंफर्म कर दें, मैं शुरू करता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं। चलिए तो ये आपने लिख लिया, अब एकदम सही हो गया, मुझे पता है, थोड़ा सा पास में था और वॉइस ओवर जा रही थी। चलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ उसके लिए सॉरी, तो वॉइस मैं थोड़ा सा और भी कम कर देता हूँ, ज्यादा तेज नहीं बोलेंगे तो ज्यादा इसमें आवाज तेज नहीं जाएगी, दिक्कत नहीं होगी। चलो ठीक है, तो तीसरी लाइन आपने लिख लिया, यदि ए कोई विषम संख्या है तो इसकी क्रमागत विषम संख्याएं, यदि ए कोई विषम संख्या है तो क्रमागत विषम संख्याएं, विषम संख्याएं ए प्लस टू, ए प्लस फोर, ए प्लस सिक्स, डॉट 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 होंगी। ये आपका 3 पॉइंट हो गया। ठीक है विपिन बच्चा, तुम्हारा दिमाग भी खराब है मुझे लग रहा है। हाँ, और तुम्हारा एक कान खराब है तो हम क्या करें उसके लिए, बोलो
या तो तुम्हारा ईयरफोन खराब है। अब इसमें हमारी तरफ से ऐसा थोड़ी कुछ होता है कि तुम्हें एक कान में सुनाएगा एक कान में नहीं सुनाएगा। तो इसको लिख लीजिए आप, इसके बाद आगे लिखिए। एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साथ ही में तो लिखो नीचे नोट करके। यदि ए का मान कोई सम संख्या है, नोट करके लिखो, यदि ए का मान कोई सम संख्या है तो क्रमागत संख्याएं भी सम संख्या होंगी या सम संख्याएं होंगी। हाँ ऐसा लिखो, तो क्रमागत संख्याएं भी सम संख्याएं होंगी। और यदि ए का मान कोई विषम संख्या है तो क्रमागत विषम संख्याएं भी सॉरी तो क्रमागत संख्याएं भी विषम होंगी। ठीक है, यदि ए का मान कोई सम संख्या है तो क्रमागत संख्याएं भी सम संख्याएं होंगी, और यदि ए का मान कोई विषम संख्या है तो क्रमागत संख्याएं भी विषम संख्याएं होंगी। ठीक है, ये पॉइंट था इसमें। सम संख्या है तो क्रमागत संख्याएं भी सम संख्या है। ठीक है, हो गया। अगला पॉइंट डालिए इसमें, ये थर्ड पॉइंट आपका हो चुका था। फोर नंबर पॉइंट डालिए, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, याद रखना। ठीक है, लिख लिया। अगला पॉइंट डालिए इसमें, ये इंपॉर्टेंट जितने पॉइंट हो गए। हाँ, इसमें मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। जैसा मैंने कहा कि यदि ए का मान कोई सम संख्या है तो क्रमागत संख्याएं भी सम होंगी, और यदि विषम संख्या है तो क्रमागत संख्याएं भी विषम संख्याएं होंगी। इसको कैसे समझोगे, एक मिनट समझ लो, लिखो यहां पे समझो। कैसे समझोगे भाई, समझो इधर साइड में। उदाहरण, यदि ए बराबर 4, देखो ये क्या सम संख्या है, बोलो है ना, ब्रेकर में लिख लो, इसको समझाने के लिए बोल रहा हूं बस। यदि ए बराबर 4 है, ब्रेकर में लिख लो चाहे तो सम संख्या, तो क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्याएं क्या क्या होंगी। देखो मैंने बताया था कि सम संख्या में ए प्लस 2 मानोगे अगली, हाँ, फिर अगली ए प्लस 4 मानोगे, फिर ए प्लस 6 मानोगे, ऐसे ही बताया था ना। तो भाई मेरे, अगर ए का मान मैंने अभी देखो क्या माना है, 4 माना है ना, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 मतलब 6, इसी तरह से 4 प्लस 4 इक्वल 8, इसी तरह से ए का मान 4 और 4 प्लस 6 इक्वल 10। आपने क्या देखा, क्या देखा आपने, हमने जो ए का मान माना था वो सम संख्या लिया था 4, और हमें जो क्रमागत संख्याएं आई 4 के बाद में 6, 8 और 10, ये सभी क्या है, सम संख्याएं है ना। एक बार सभी साथी बोलो यस। तो ये बात सिद्ध हुई ना कि यदि ए का मान कोई सम संख्या होगा तो क्रमागत संख्याएं भी सम होंगी, और अगर भी सम होगा तो क्रमागत संख्याएं भी सम होंगी। स्टडी सूरज बेटा, नंबर चल रहा है ना, उस पर संपर्क करो और टेलीग्राम पे ज्वाइन करो हमें। टेलीग्राम पे पीवीआर स्टडी ज्वाइन करो, वहां पे सारी अपडेट मिलेगी, सब मिलेगा तुम्हें सब। चलो इस तरह से आप विषम वाला भी ट्राई कर सकते हो। चलो इसका भी उदाहरण समझा देता हूँ। विषम वाले के लिए यदि ए बराबर 13 मान लिया, ये क्या एक विषम संख्या है, तो इसकी जो क्रमागत संख्याएं होंगी, क्रमागत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, बोलो। क्रमागत संख्याएं मैंने बताया था कि एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 6, ऐसे मानोगे, बताया था ना। तो अगर एक्स का मान 13 ले ले रहे हो मेरे भाई, तो 13 प्लस 2 इक्वल 15, इसमें भी ऐसे एक्स का मान 13 प्लस 4 इक्वल 17, यक्स का मान 13 प्लस 6 इक्वल, लोचा हो रहा है कुछ, 13 4 17,
हाँ सही तो है तेरा। अच्छा 19 ठीक है। देखो 15 17 19 सभी विषम संख्याएं आ रही ना, आ रही ना। जीपी गेमिंग समझ में आ रहा है? हाँ भाई, शुद्ध शुद्ध नाम अगर तुम लोग लिखे रहो तो अच्छा लगता है। ये अहिला बहिला नाम लिखे रहे तो गेमिंग ज्वाइन कर अहिला बहिला मजा नहीं आता है। चलो सभी समझ गए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो यहाँ पे हो रहे हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन लिखिए, इंपॉर्टेंट है बहुत ही लिखिए। किसी पांच क्रमागत विषम संख्या का योग 535 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या बताओ। किसी पांच क्रमागत विषम संख्या का योग 535 है, तो सबसे बड़ी संख्या का मान बताइए। अनुष्का शुक्ला, क्या आप प्रेजेंट हैं? राहुल सिंह, सुधांशु, मयंक तिवारी, हैं आप भी? अगर है तो बोलिए, शर्म की बात नहीं है। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो रेगुलर आते हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ तो वहीं पे चलते हैं। क्वेश्चन लिखिए कि नहीं, पांच क्रमागत विषम संख्याओं का योग 535 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताओ। इसका मैं अगर ऑप्शन दूं आपको तो आप ऑप्शन ले सकते हो। ऑप्शन ले लूं, 109, 113, 111, नॉन ऑफ दीज। देखिए अगर हम इसमें थोड़ा सा बेसिक फंडा में चलें तो आप क्या करोगे कि नहीं, पांच क्रमागत विषम संख्याओं का योग, आप मानोगे पहली क्रमागत विषम संख्या, दूसरी की, तीसरी की, चौथी, पांचवी, कुछ ना कुछ मानोगे। तब आपको जा करके पहले एक मान मिलेगा, फिर आप सारे मान रखोगे। देखो इसमें एक जुगाड़ है। एक जुगाड़ क्या है, पांच संख्या की बात हो रही ना, आप ऐसे समझ लो मेरे भाई थोड़ा सा। वो क्या है कि अगर मैं आपको बोलूं कि पांच संख्या की बात हो रही है तो बीचों बीच में भी एक संख्या होगी ना, बोलो, जिसे मध्य संख्या बोलेंगे, बोलो। हाँ होगी ना, क्योंकि पांच संख्या में यहां बीच में एक होगी, एक इधर एक होगी, एक इधर एक होगी, और इसमें भी मान लो कि एक इधर होगी एक इधर होगी। ये पहली हो गई, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, बराबर योग कितना, 535। अगर हमें बीच वाली संख्या पता चल जाए तो आगे पीछे वाली निकाल लेंगे ना, निकाल लेंगे ना। तो क्या करेंगे हम, मध्य संख्या निकाल लेंगे, सबसे आसान है, मध्य संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आप ऐसे कर सकते हो, छोटा हो जाएगा। लिख लो मध्य संख्या बराबर, या फिर मध्य मान बराबर, क्या हो जाएगा, लिखो, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों का योग 535 है, और टोटल 5 टर्म्स हैं, 5 एकम 5, 5 सत्य 35, 107। बहुत अच्छे सोनम, सही है आपका, ठीक है, और भी किसी का सही है। तो ये कितना आ गया मेरे भाई, मध्य संख्या कितना आ गया, 107। अब तुम्हें सबको पता है यार, सिंपल है, सिंपल है, क्या सिंपल है। देखो अगर ये संख्या 107 हो गई तो इसके पीछे जो विषम संख्या होगी मेरे भैया 105 होगी, हाँ, इसके पीछे जो होगी 103 होगी, इसके आगे जो होगी 109 होगी, इसके आगे जो होगी 111 होगी, बस हो गया आंसर। यानी सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो 111 ऑप्शन नंबर सी सही है। समझ में आया ना? सबको समझ में आया? आरती जी क्लास तो ये रेगुलर ही होती है, बेसिक वाली भी।
लेकिन अभी इसमें एक बैच चलेगा ना, तो उसमें आपको समझ में आएगा, अभी कोई बैच नहीं चल रहा है। इस तरह के क्वेश्चन आप सभी कर लोगे कि नहीं बोलो? हाँ सभी कर लोगे। इस पे मैं आपको और भी क्वेश्चन करवाऊंगा, तो आज फिर हल्का भी क्वेश्चन करवा देता हूं, बाकी मैं इस पे खूब सारे प्रश्न आपके लिए करवाऊंगा, खूब सारे। और लिख लीजिए एक आध कि नहीं, लिख लीजिए एक। यदि पांच क्रमागत सम संख्याओं का योगफल, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन मतलब प्रश्न लिखिए, यदि पांच क्रमागत सम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल 448 है तो सबसे छोटी संख्या बताओ, बोलो। यदि पांच क्रमागत सम संख्याओं का योग 448 है तो सबसे छोटी संख्या बताओ, सबसे छोटी संख्या बताओ। आप सभी को बताना है। तो इसको आप लोग कर लेना, 80 80 नॉन ऑफ दीज, जवाब दीजिए, रिस्पांस करिए फटाफट, क्या होगा यदि सात सम यानी मींस इवन नंबर का जो सम है वो 532 है, देन फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। मुझे उम्मीद है कि ऑप्शन सही है, लेकिन मैं तरीका बताता हूँ पहले। ठीक है सोनाली यादव, मिस्टर रोहित, ठीक है रोहित, वेरी गुड। ये जो पोस्टर दिख रहा है स्क्रीन पे, ये बेवजह दिख रहा है, क्लास कहीं दूसरी जगह नहीं हो। ठीक है अन्नु पांडे, गुड इवनिंग, कोई ट्राई करेगा? अच्छा आवाज तो अच्छी आ रही ना, आज मैंने ये माइक नहीं लगाया, कान वाला ये मैंने नहीं लगाया, आज ये थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं रहता इसको, ये बेहतर है मुझे लग रहा है, काफी हल्का भी है और ये अरजने वरजने चांस नहीं रहता। इसका आंसर होगा 82, वेरी गुड, बहुत अच्छे 82। देखिए मैं तरीका बता देता हूँ, कहाँ से आ जाते हैं, ये आंसर कितना होगा 82। अब सुनो इधर, कैसे क्या करना समझो, आवाज में थोड़ा बढ़ा दिया हूँ अब। हाँ तो सबसे पहले साथियों क्या करते हैं, इसमें मध्यमान निकालते हैं, हम बीच वाली संख्या निकालते हैं, बीच वाली संख्या निकालते हैं, उसके बाद जब बीच वाली संख्या आ जाएगी तो पूरा आंसर आ जाएगा। मैं ये लिया हूं, मुझे आवाज अच्छी आ रही है, कि कम है वो तेज कर ले, मैं खुद देख रहा हूं अपने आप, मैंने ये जो कनेक्ट कर रखा है ना, ये एयरपोर्ट है हल्का ही, और ये फोन मैकबुक भी उसी का है, तो ऐसा नहीं कि इसमें आवाज में कम हो। अच्छा एक बार सभी बोलो आवाज कम है क्या, अगर सबको लग रहा है कि आवाज कम है तो मैं इसको निकाल देता हूँ। यस अगर वॉइस कम है तो एक बार बोलो यस, अगर सही है तो नो, क्या बोल रहे हो, आवाज कम है, ईयरफोन लगा लीजिए। हाँ फोन कई तरह के होते हैं, देखो इसमें मुझे कम आवाज आएगी, ये मेरा फोन थोड़ा पुराना वर्जन का है, इसमें बहुत तेज आवाज आती है और इसमें और बेहतर आती है, तो जितने नए मोबाइल आप लोगे तब जो नए जनरेशन के हैं उनमें वॉइस सही होगी। वॉइस अगर कम है तो बोलो यस, अगर वॉइस सही है तो नो, सब कंफ्यूज कर रहे हैं मुझे, आवाज सही है जो सुनाई पड़ रहा है, आवाज सही है, अपना अपना कान में रुई डाल के ऐसे ऐसे खोदो, देखो आवाज आएगी। चलो तो भाई ये 82 आंसर, कैसे, सबसे पहले मध्यमान निकालेंगे,
मध्यमान। आ देखो सुनो, यहाँ पे मध्यमान होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, ठीक है, समझ रहे हो। तो कुल पदों का योग करने के पहले मैं आपको एक सर, तो मैं पहले ही बता दिया हूँ, सुन लो इधर साइड में। देखो कह रहा है कि पांच संख्या, यहाँ पे समझो, सॉरी सात है, सात सम क्या है, ठीक है। यहाँ पे क्रमागत लिखना था यार, किन्हीं सात क्रमागत सम, ठीक है, किन्हीं सात, यहाँ पे लिख लो क्रमागत। क्रमागत नहीं रहेगा तो फिर लोग कुछ भी रख देंगे, मतलब सीरियल से हैं, ठीक है। देखो कितनी संख्या है, सात, तो एक संख्या तो ये हो जाएगी भाई, एक ये हो जाएगी, बीच में पांच होंगी ना, तो ये मान लो हो गई, तीन हो गई, ये चार हो गई, ये पांच हो गई, ये छह हो गई, ये सात हो, ये सात संख्याएं हो गई। कह रहा कि सात संख्याएं हैं क्रमागत सीरियल से, भाई सात हैं, सिंपल सी बात है, तीन इधर होगी, तीन इधर होगी, एक बीच में होगी, बोलो, है ना। तो एक दो तीन, और एक दो तीन, यानी ये क्या है आपका मध्य वाली संख्या होगी कि नहीं, बोलो, ये मध्य संख्या होगी। अगर हमें मध्य वाली संख्या पता चल जाए कि बीच में कौन सी संख्या है, क्योंकि संख्याएं क्रमागत हैं और सम संख्याएं हैं, तब हम सारी संख्याएं पा सकते हैं। एक बार बोलो सभी, यस, ऐसा पॉसिबल है ना। रमेश चौधरी, प्रिया, मोहम्मद वसीम, राजेश, बोलो, सही बोल रहा हूँ ना मैं, ठीक है। तो चलो पहले मध्यमान निकालेंगे, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की, या शॉर्टकट में ऐसे लिख लो, कुल योग बटे कुल पदों की संख्या। मेरी आवाज भी आप कानों से सुनिए, हो सकता है मेरी लिखाई आपको ना समझ में आए। तो कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, तो मेरे भाई कुल पदों का योग 532 दिया है, तो मैं यहीं में सकेते में समधियान करके लगा लेता हूँ थोड़ी जगह में, ठीक है। तो ये 532 तो आप सात से भाग दे लो, क्या होगा, कर लो, ये 7 × 7 = 49, और ये बचेगा 4, हो जाएगा 42, 7 × 6 = 42, 76। अंकित समझ में आया, ये कितना हो गया 76। अब मेरे भाई यहाँ पे देखो, कह रहा है कि सातों संख्याएं क्रमागत हैं, मतलब सीरियल, तो 76 के बाद जो सम संख्या होगी वो 78 होगी, बोलो हाँ या नहीं, ठीक ना। इसके बाद जो संख्या होगी सम, वो 80 होगी भाई, 7 तो सम होगी नहीं, 79 भी इसके बीच में होगी, सम नहीं होगी, 80 होगी, और ये एक होगी 81, सॉरी 82। पूछ क्या रहा था, कह रहा था कि सबसे बड़ी संख्या, सिंपल है, सबसे बड़ी संख्या 82, बस इसके पीछे वाली चाहो तो निकाल लो, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा, बात पक्की, क्लियर, चला लीजिए, काहे को रोक रहे हैं बार बार। हाँ? ये क्या, अरे चलिए ठीक है, हमारे एक साथी आए आज, काफी हैरान है, हम भी भूखे मर रहे हैं, इनको भी भूखे मर रहे हैं, इनका यही कहना है, नीचे झोला पकड़िए, अब आप दिखा देते हैं कहीं से कुछ खाइए बैठ के। तो हो गया, देखिए एक बात मैं बताऊं, क्वेश्चन तो हो गया, यहाँ जो आता है ना एक बार दोबारा नहीं आना, यहाँ तक कि मेरी वो भी नहीं आती दोबारा, कहती है भूखे मर जाते हैं भाई, ये आदमी ना खाता है ना खिलाता है, क्योंकि मैं सुबह, मतलब दिन में पहली बार शाम को 5 बजे खाना खा, उठता हूँ सुबह 8-9 बजे, पहली बार मैं शाम 5 बजे खा, दूसरी बार रात के 2 बजे इतना देर कोई झेल नहीं पाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किन्हीं सात की बात हो गया, आठ क्रमागत सम संख्या का योग 392 है, तो देखो यदि किन्हीं आठ क्रमागत
संख्या का योग 392, तो सबसे छोटी संख्या बताओ, सबसे छोटी संख्या बताओ। सबसे छोटी संख्या क्या होगी? इसमें कोई आंसर बता लेगा? तो पूछ रहे हैं मुझे हंसी काहे को आ रही है। एक्चुअली क्या है ना, कैमरा के पीछे यहाँ कुछ हो रहा है जो आप लोग नहीं देख पा रहे हो, तो मैं देख रहा हूँ इसलिए मुझे हंसी आ रही। ये लोग काफी कुछ उठा पटक कर रहे हैं यहाँ पे, तो आवाज तो सही आ रही ना। अश्वनी जी रोज की अपेक्षा थोड़ा धीमा होगा। इसका आंसर कितने लोग कर लेंगे मैं बताता हूँ। देखो इनके ऑप्शन ले लो भाई, 40, 40, 42, 44। क्वेश्चन नंबर आज का सेकंड, एनीवन कोई बताएगा, कोई बताएगा? आवाज कम नहीं है, ये ब्लूटूथ से कनेक्टेड है और मुझे जहां तक लग रहा है काफी बेहतर है, उसे कोई गड़बड़ नहीं है। आप लोग कहो तो मैं इन्हें हटा देता हूँ। ये लो चलो, अब सही है? तेज हुआ कुछ, कुछ तेज हुआ आवाज? चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 42। कैसे होगा 42? देखो आठ क्रमागत सम संख्या की बात कर रहा है, इनका योग दिया मीन सम दिया है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मध्यमान निकालेंगे मेरे भाई। क्या निकालेंगे? मध्यमान। सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है तो आठ संख्या की बात है, तो ऐसे पहले ट्रैक बना लो, ट्रैक बना लो ऐसे। तो एक दो संख्या ये हो गई, एक ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। आठ संख्या की बात हो रही तो मध्यमान क्या होगा? बोलो, सबसे पहले मध्यमान निकालेंगे भाई। अगर आठ संख्या की बात हो रही तो चार इधर कर दोगे, चार उधर, तो मध्यमान तो आपको मिलेगा ही नहीं, सीधी सी बात है। तो मध्यमान तो हमें वहां पे लिख के निकालना पड़ेगा। चलो मध्यमान बराबर क्या होता है? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल पदों का योग 392 है, संख्या 8 है, भाग कर लो। कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा? 8 × 5 = 40, 8 × 4 = 32, और ये बचेगा 7, 8 × 9 = 72। 49 आएगा मेरे भाई। कितना आएगा? 49 आएगा। लेकिन ये मध्यमान जाएगा कहाँ? एक मिनट समझो, कह रहा कि आठ की नहीं क्रमागत सम संख्या की बात कर रहा, लेकिन हमारा मध्यमान तो विषम आ रहा है। मध्यमान क्या रहा? विषम आ रहा है। अब कहाँ जाएगा ये? हाँ, मध्यमान विषम आ रहा है। कैसे? देखो अगर हम चार इधर कर दें और चार इधर कर दें तो मध्यमान हमारा इसी पे आएगा कि नहीं? बोलो भाई, ये सम है, ये भी सम है, तो बीच वाली संख्या तो विषम होगी ना, यानी मध्यमान हमारा ये 49 है। आप बताओ, संख्याएं क्रमागत हैं तो 49 के बाद क्या होगा? 50 होगा ना, 50 होगा ना, क्रमागत संख्या की बात बोल रहा था, क्रमागत सम संख्याएं। तो 50 के बाद सम क्या होगा? 52 होगा, फिर 54 होगा, फिर 56 होगा, होगा। पीछे चले आओ तो इसके पहले सम क्या होगा? 48, 46, 44 और 42। मेरे भाई कह रहा था सबसे छोटी संख्या बताओ, तो आंसर हो गया 42। सबको समझ में आया? आप सभी को दोनों कान में सुनाई पड़ रहा है ना? हाँ, कुछ परेशान करने वाले हैं तो बच्चों देखो, पहले आप मोबाइल चलाना सीख लो, समझ रहे हो ना? कुछ तो कह रहा है कि आपके चैनल पे सिर्फ एक कान में आवाज आती है। अरे भाई, एक कान आपका खराब हो गया होगा, क्योंकि हमारे यहाँ सैकड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं, सबको दोनों कान में सुनाई पड़ रहा है। मैं खुद सुन रहा हूँ, ये दोनों में ये यहाँ भी चल रहा है, तो पहले कान सही कर लो अपना। हाँ, क्योंकि मैं खुद देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, तो मैं कैसे विश्वास करूँ? मैं मानता ऐसा नहीं कि आप गलत बोल रहे हो, लेकिन
जो मुझे मनी मतलब अपने आंखों से दिख रहा है तो मैं कैसे मानूं? ये हो गया। अब देखिए इसमें चेंजिंग करेंगे। अर्पिता समझ में आ रहा है? हेडफोन खराब है यार तुम्हारा, फेंक दो ना उसे। हाँ एक कान खराब है, उसको जाके चेंज करवा लो दुकान पे। चलो सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। तुम लोग चाहे गंगा में हल के बोलो, मुझे नहीं विश्वास है। चलो अब देखो सम संख्या वाला हो गया। अब विषम संख्या मीन्स ऑड नंबर पे आधारित क्वेश्चन भी सुपर टेट में पूछे जाते हैं, उसको सुनिए। यदि पांच क्रमागत विषम संख्याओं का योग 575 है तो सबसे छोटी संख्या बताइए। यदि किन्हीं पांच क्रमागत विषम संख्याओं का योग 575 है तो सबसे छोटी संख्या बताओ। कितने लोग बता लेंगे? ईमानदारी से बोलना, कर लोगे ना? अरे लाइट काहे को लपदप हो रही भाई। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, एनीवन कर सके तो कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे छोटी संख्या 111, सबसे बड़ी संख्या 119। क्वेश्चन लिखिए, यदि पांच क्रमागत विषम संख्याओं का योग 575 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? जल्दी करें, कोशिश तो करो यार, कम से कम मंजिल मिले या ना मिले वो अलग बात है, मंजिल मिले या ना मिले वो अलग बात है, लेकिन आप कोशिश ना करो ये गलत बात है। अच्छा है ना सब कुछ? चलो आंसर बताओ। मैं बताता हूं, ये भी बिल्कुल वैसे होगा, सेम टू सेम वैसे होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। आवाज तो मेरी आ रही? मैं बोल नहीं रहा हूं क्या? अच्छा है ना सब कुछ? चलो आंसर बताओ। 115, मैं आंसर पहले बता दिया था, कम से कम थोड़ी तो नकल कर लो। निधि कुमारी, अर्पिता यादव, क्यों आप लोग गलत बताने के लिए पैदा हुए हो का? पांच क्रमागत विषम संख्या मीन्स ऑड नंबर ना, सुनो पांच संख्या है। चलो पांच संख्या में एक संख्या ये हो गई, एक हो गई, बीच में तीन बची, ये ले लो एक थी, एक थी, एक थी। सबसे पहले आपको मध्यमान निकालना है, बीच की संख्या निकालनी है मेरे भाई। दो इधर छोड़ दो, दो इधर छोड़ दो, ये आपका बीच वाली संख्या हो जाएगी, मध्य संख्या। अगर हमें ये पता चल जाए तो हम सबको निकाल लेंगे। मध्य संख्या कैसे निकालते हैं? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो क्या करेंगे? कुल पदों का योग जो है उसको कुल पदों की संख्या से भाग दे लो मेरे भाई। तो कुल पदों का योग कितना है? 575 है। अब मैं सूत्र बार बार क्यों लिखूं फालतू का? कुल पदों की संख्या कितनी है? पांच है। पांच से भाग करोगे, पांच एक कम पांच, पांच एक कम पांच, पचम 25, मध्य संख्या 115 आएगी। मोहन कुमार जी वेलकम, अरविंद कुमार बहुत अच्छे। 115 के बाद जो विषम संख्या होगी मेरे भाई वो 117 होगी, सही बोल रहा हूं ना? उसके बाद 119 होगी। इसके पहले अगर हम विषम की बात करें तो 113 और 111 होगी। यानी अगर बोले कि सबसे बड़ी संख्या तो 119 और सबसे छोटी पूछ लेता तो 111। और एक चीज और, अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा है कि सही बता रहे हैं तो आप इन पांचों संख्याओं को जोड़ डालो, 575 आएगा। सचिन कुमार समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है? एक बार बोलें यस।
सब क्लियर है? कोई डाउट किसी को? नहीं? ठीक है, बढ़िया है फिर, अच्छा चल रहा है। अब क्या करोगे? लिख लो और क्या करोगे ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि नौ क्रमागत विषम संख्याओं का योग 99 है तो सबसे छोटी संख्या बताओ। नौ क्रमागत विषम संख्याओं का योग 99 है तो सबसे छोटी संख्या बताओ। जो बता लेगा ना वो बहुत महान होगा भाई, और क्या कहें, एक सरप्राइज भी मिलेगा उसे चुपके से, लेकिन सबके सामने नहीं। नहीं नहीं मिलेगा, चुपके से भी मिलता है, ऐसी बात नहीं कि ऐसे सबके सामने कह देंगे मिलेगा, बाद में कुछ ना देंगे। चौथा है नौ क्रमागत विषम संख्याओं का योग ओनली 99 है, सिर्फ 99 है। अरविंद जी आ रहा समझ में? चलो देखो, सुनो, यदि नौ क्रमागत विषम संख्याओं का योग 99 है सबसे छोटी संख्या। देखो मेरे भाई, नौ संख्या की बात बोल रहा है, ऑप्शन है चार, चार तो कभी विषम है नहीं, पांच सात नौ तीन, सबसे छोटी संख्या बताना है। तीन होगा आंसर, आंसर तीन होगा सबसे छोटी संख्या। देखो कैसे, 99 है ना, सबसे पहले मध्यमान निकालोगे। देखो भाई नौ संख्या की बात हो रही तो इसको बना लो ऐसे, ये दो हो गया, तीन चार पांच छ सात आठ नौ, ठीक है। मध्य संख्या की बात बोले तो नौ संख्या में चार इधर हो जाएगी, चार इधर चली जाएगी, तो एक दो तीन चार इधर चली गई, चार उधर जाएगी, तो ये मध्य संख्या हो जाएगी आपकी। मध्यमान कैसे निकालते हैं मेरे भाई, कुल पदों का योग को कुल पदों की संख्या से भाग दे देते हैं, तो ये 11 क्या आ गया, आपका मध्यमान आ गया, ना कि आंसर, ये आंसर नहीं है, ये मध्यमान है, तो ये 11 आ गया ना। उसके बाद क्या करोगे पता आपको? भाई अगर कह रहा है कि क्रमागत संख्या है तो 11 के बाद विषम जो होगा 13 होगा, फिर 15 होगा, फिर 17 होगा, फिर 19 होगा। अगर पीछे साइड को बैक करेंगे तो 9 होगा, 7 होगा, 5 होगा, 3 होगा, सबसे छोटी संख्या बात करें तो 3, सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो 19। अगर आपको नहीं यकीन है तो इन सबको जोड़ डालो, इन सबको जोड़ोगे तो 99 आएगा। सही जा रहा हूं ना मैं? इसमें भी किसी को कोई बवाल तो नहीं नजर आ रहा है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। आज का लास्ट क्वेश्चन, मुझे लग रहा है कि अभी एक और करवा देते हैं। देखिए अब तक तो आपने जो किया सब सम और विषम था, लेकिन अब जो क्वेश्चन होगा वो ना सम होगा ना विषम होगा। इसको लिखने के पहले इसे लिख लीजिए। अगर आपने पहली बार वीडियो चलाया होगा तो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखा होगा। क्या आपको क्लास का टाइम पता था 8 बजे? अगर मालूम था तो पहला ऑप्शन करिए हाँ जानते थे, नहीं पता था तो दूसरा ऑप्शन। और सभी साथी बिल्कुल फ्री क्लास के लिए पीवीआर स्टडी को टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पर भी चैनल का नाम पीवीआर स्टडी ही है। क्या नाम है? पीवीआर स्टडी ही है। ओके, ये नंबर काहे को नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे? हाँ फ्री टेक्स्ट टाइप लगा तो था, ये कहाँ गया? ये काहे को नहीं दिख रहा है? मालूम नहीं कहाँ चला जाता है। जाने दो, हटाओ। क्वेश्चन लिखिए कि नहीं, पांच क्रमागत संख्याओं का योग। यहां पर एक चीज देखना, सिर्फ क्रमागत संख्याएं हैं, यहां पर ना तो सम कहा है ना ही विषम कहा है,
ये सवाल बिल्कुल अलग है और इस तरह का सवाल जो है आपका परीक्षा में पूछा जा सकता है। यदि पांच क्रमागत संख्याओं का योग यस है, ये क्या है यस है, तो सबसे बड़ी संख्या यस से किस प्रकार से रिलेटेड होगी, रिलेटेड मतलब संबंधित। सबसे बड़ी संख्या यस से किस प्रकार संबंधित होगी, आपको यह बताना है। ऑप्शन दे दूं आपको, ऑप्शन लिखो। पहला है एस प्लस फाइव अपॉन टू, पांच संख्या है ना तो पांच, ठीक है। दूसरा ऑप्शन भी दे दूं, दूसरा भी ले लो, ये यस प्लस प्लस 11, ये यस है यस फॉर स्लीप 10/5, यस प्लस 1/5, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? अरविंद जी, आ रहा समझ में? बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीका है ये, परीक्षा में इससे संबंधित जो है क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ईमानदारी से देखिए और बताइए, इसका अगर आप ऑप्शन देखोगे तो हो सकता है कि आप थोड़ा चकरा जाओ, लेकिन ऐसे ऑप्शन आता है। देखिए समझिए, कह रहा कि पांच क्रमागत संख्याएं हैं जो सीरियल वाइज सीरियल हैं, और वो सम है कि विषम है, क्या है कुछ नहीं पता है, सिर्फ संख्याएं हैं जिनका योग यस है, मतलब ये योग भी नहीं दिया है। तो पूछ क्या रहा है, कह रहा जो यस है वो सबसे बड़ी संख्या से किस प्रकार से संबंधित है। तो भैया हो, पहले तो यहां बना लो, हराई फना लो इसे। पांच संख्या की बात हो रही है, एक संख्या ये, एक ये, दो संख्या हो गई, एक ये तीन हो गई, ये चार हो गई, ये पांच हो गई, ठीक है। पांच की बात हो रही थी, दो संख्या मान लो साइड साइड हो गई, ये मध्य संख्या हो जाएगी आपकी। और मध्य संख्या का मान कैसे निकालते हैं? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या करते हैं। तो कुल पदों का योग जो है हमें यस दिया है, यस यस फॉर फिलीप या फिलीपर, ठीक है। कुल पदों की संख्या कितनी है? पांच है, यानी हमें जो मध्य संख्या मिल रही है यस अपान फाइव मिल रहा है। एस क्या है ये यस है, यस। तो अगली संख्या क्या होगी? देखो, चूंकि कह रहा है कि संख्याएं सीरियल बाय सीरियल हैं, रौनक का सही है, बाकी सबका गलत। संख्याएं क्रमागत हैं, सीरियल में हैं, तो अगली संख्या जो होगी वो इससे एक अधिक होगी, इसके अगली भी इससे एक अधिक होगी, होगी ना। इसके पीछे की संख्या इससे एक कम होगी, ये भी एक और कम होगी। बोलो, सही बोल रहा हूं ना? तो होगा क्या, कह रहा कि सबसे बड़ी संख्या किस प्रकार से संबंधित है। तो मेरे भाई, जो अगली सबसे बड़ी संख्या होगी यस प्लस फाइव से, ये दो अधिक होगी, यही ना, जोड़ दीजिए इनको, तिरछा गुणा हो जाएगा, यस प्लस 10/5, ये आंसर आएगा, सी नंबर सही है। सोनाली वर्मा, आ रहा समझ में? सभी को समझ में आ रहा? किसी को कोई डाउट नहीं ना? एनी डाउट तो बता दीजिए। बिट्टू कुमार, आया समझ में? तो इस तरह से आपका ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया। इस क्लास को आप पीवीआर स्टडी ऐप में ज्वाइन कर सकते हैं, बेहतर अनुभव के साथ जरूर ज्वाइन करें। गूगल प्ले स्टोर से पीवीआर स्टडी का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करें और आज ही जाके एनरोल करें, ठीक है। आज का सेशन बस यहीं तक। हाँ, मैं यहाँ पे नंबर दे दे रहा हूँ, जो लोग एप्लीकेशन में ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ध्यान रहे कि 9th-10th में अगर आप हैं और आप भूल चूक से यहाँ पे जुड़े हो, तो निवेदन है इस नंबर पे मैसेज ना करना, ठीक है। क्योंकि ये नंबर सिर्फ टीचर भर्ती परीक्षा और डीएलएड अर्थात पीटीसी के छात्र छात्राओं के लिए ही है। तो 9th-10th या उससे छोटे बच्चे बिल्कुल मैसेज ना करें उस पे, सिर्फ वो कमेंट करेंगे, हम उनको नंबर देंगे दूसरा, ठीक है।
आज के लिए इतना ही। क्लास का समय है रात के 8 बजे से 8:40 तक। आज हो सकता है 2 मिनट क्लास पहले बंद हो रही हो, कोई बात नहीं, टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है। आपका खत्म हो गया, कल कुछ नया होगा और कुछ अलग तरीके से। बहुत बहुत थैंक यू, दिल से धन्यवाद। क्लास को अपने सहपाठियों में शेयर करें जिससे कि हर किसी को लाभ मिल सके और हर कोई घर बैठे फ्री पढ़ सके। आवाज एकदम साफ है ना? बहुत बहुत थैंक यू, दिल से धन्यवाद। क्लास को अपने सहपाठियों में शेयर करें जिससे कि हर किसी को लाभ मिल सके और हर कोई घर बैठे फ्री पढ़ सके। आवाज एकदम बढ़िया है ना? हाँ ये सही है, काम करेगा ये। थोड़ा वॉइस कम होगी लेकिन बढ़िया है। एकदम साफ है ना? तो मैं टेलीग्राम का लिंक अभी कमेंट में दे दूंगा, आप सभी हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना जिससे कि आपको डेली क्लास मिल सके, ठीक है? हाँ ये सही है, काम करेगा ये। थोड़ा वॉइस कम होगी लेकिन बढ़िया।